दद्दू आज हाँ? हमने पूरी स्कूल को हिला कर रख दिया। अच्छा, अरे वाह। भैया अपनी क्लास में फर्स्ट और मैं अपनी क्लास में। हो हो, वेरी गुड बच्चों, कीप इट अप, हाँ कीप इट अप। हाँ दद्दू, सभी स्टूडेंट्स हमसे यही पूछ रहे थे कि तुम दोनों भाई आखिर खाते क्या हो, हर बार फर्स्ट ही आते हो। अरे ये कहाँ से आया, संजू चाचू? A beautiful gift for a wonderful kid. और मेरे लिए? तेरे लिए भी लाया हूँ, पर पहले बड़ा भाई फिर छोटा, समझे? ओके, ले लो गिफ्ट। थैंक यू पापा। चलो भैया सभी को गिफ्ट दिखाते हैं। हाँ, चलो चलो, संभल कर जाना। हाँ हाँ दद्दू। वाह, नसीब वाले हैं हम जो ऐसे संस्कारी बच्चों को पाया। जी क्या बात है पापा, आज आपने ऑफिस से मुझे जल्दी बुला लिया। भैया भी जल्दी आ गए, कोई खास वजह? हाँ बेटा, जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जो सही वक्त पर कर लेने चाहिए, और आज ऐसा ही एक काम करने का मैंने फैसला किया है। देखो बेटे, परिवार बड़ा हो रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, और आप दोनों बिजनेस को अच्छी तरह समझने लगे हो, तो मैंने सोचा कि ये बिजनेस और जायदाद अभी से आप दोनों के बीच में बांट दूं तो। क्या हुआ पापा, हमसे कोई गलती हुई है? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा बंटवारे के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। अब आप बताइए, इतने साल हो गए, क्या आपने आज तक कभी भी देखा कि मेरे और भैया के बीच में कभी भी लड़ाई हुई हो, या फिर हमने आपस में कभी कोई बहस की हो? यहाँ तक कि हमारी पत्नियां भी अरे नहीं, एक दूसरे से कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती, तो फिर ये बंटवारा क्यों? मुझे पता है बेटे, मुझे सब पता है, लेकिन आप दोनों जानते हो कि मैं दिल का मरीज हूं, मुझे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे सामने ही ये बंटवारा हो जाए, ताकि आगे जाके तुम दोनों भाइयों के बीच कोई घर्षण या खिंचाव ना पैदा हो जाए। और याद रहे, ये सिर्फ जायदाद और बिजनेस का बंटवारा है, परिवार का नहीं। परिवार तो एक ही रहेगा, ये घर भी एक ही रहेगा। इस बंटवारे की वजह से मेरे इस आशियाने को, हमारे इस घर की एकता को, अखंडता को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी पापा, जैसी आपकी मर्जी। पापा पापा, मुझे वो कलरफुल वाली पेंसिल लाके दो ना। बेटा संजू चाचा को बोलो, वो आपके लिए और मीत के लिए ला देंगे, ठीक है? मगर मीत के पास तो पहले से ही है, मेरे पास ही नहीं है, लाके दो ना पापा। संजू तो हमेशा जो कुछ भी लाता है दोनों बच्चों के लिए एक जैसा ही लाता है। तेरे लिए भी लाया हूँ, पर पहले बड़ा भाई फिर छोटा, समझे? पापा आप लाकर दोगे ना? हाँ लाकर दूंगा, लेकिन अभी आप बाहर जाकर खेलो, ओके? पक्का ना पापा? पक्का। बाय बाय। मेरा भाई मेरे साथ ऐसा? मिस्टर संजय, इस एक प्रोडक्ट के सिवाय हमारे सारे डील फाइनल हैं। ये लीजिए। एक के सिवा? लेकिन इस डील में प्रॉब्लम क्या है शर्मा जी? पिछले 2 साल से तो आप ये प्रोडक्ट हमसे ही ले रहे हैं, तो फिर ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है हमें मार्केट में दूसरी जगह से आपसे सस्ते दाम में मिल रहा है। और आप तो जानते ही हैं कि बिजनेस में ये सब कुछ चलता ही है। आई एम सॉरी शर्मा जी, लेकिन क्या मैं उस कंपनी का नाम जान सकता हूं? बिल्कुल,
तिलक इंटरप्राइज। क्या तिलक इंटरप्राइजेस? पर शर्मा जी वो तो ये प्रोडक्ट बनाते ही नहीं। बनाते नहीं थे पर अब शुरू किया है। उन्होंने पिछले महीने नई यूनिट शुरू की है। ताज्जुब की बात है मिस्टर संजय कि आपको इस बात का पता ही नहीं है। एनीवे मिस्टर संजय आई एम गेटिंग लेट, मैं चलता हूं। ओके संजू, हमें मार्केट में टिकने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हमें इस बिजनेस को पूरे देश में फैलाना है और उसके लिए हमें बहुत ऊंची उड़ाने लगानी है। बिखर गया प्रेमल भाई, मेरा सब कुछ बिखर गया। मैंने अपने बच्चों को बचपन से ही सत्संग के संस्कार दिए, मंदिर जाना, संतों को मिलना, रवि सभा में बैठना, सब कुछ। फिर भी टूट गया मेरा परिवार। जो भाई दूसरे भाई के बिना खाना नहीं खाता था, आज उसकी सूरत देखने को भी राजी नहीं है। अगर एक भाई आरती में हाजिर हो गया तो दूसरा वहां नहीं आता, और दूसरा अगर पहले खाने को बैठ गया तो पहला बाद में खाता है। ऊंची आवाज में आज तक बात नहीं की, लेकिन आज उनकी आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंज रही हैं। बहुओं में फासला भी बढ़ता जा रहा है। लगता है ये बंटवारा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रेमल भाई आप ही बताइए मैं क्या करूं। सूर्यकांत भाई, उपाय तो स्वामी बापा ने ही बता रखा है, बस उसे लागू करना बाकी है। घर परिवार की समस्याओं को लेकर स्वामी बापा हमेशा एक बात कहा करते थे, सब दर्दों की एक दवा घर सभा। हाँ, घर सभा। हाँ, और आपके दिए हुए संस्कार फिजूल नहीं गए हैं। आपके दोनों बेटे बहुत संस्कारी हैं। हाँ, उन दोनों के बीच थोड़ा सा फासला बन गया है जिसे दूर करना होगा। और ये काम घर सभा से होगा। और आपके लिए प्लस पॉइंट तो ये है कि आपके दोनों ही बेटे कभी आपकी बात नहीं टालते। स्वामी श्री की उपस्थिति में
उन्होंने रामायण का एक प्रसंग सुनाया। जब भरत को पता चला कि कैकेयी के कारण श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ, तब उनके मन में भय सा छा गया। उनको लगा कि रामचंद्र जी के सिवा सभी यही सोचेंगे कि यह सब भरत ने ही करवाया है, सिर्फ रामचंद्र जी ही मुझे समझ पाएंगे। एक ओर भरत को रामचंद्र जी के प्रति ऐसा विश्वास था, तो दूसरी ओर जब रामचंद्र जी को समाचार मिले कि भरत वन में आ रहा है, तब वे बोलते हैं कि इस पूरे संसार में भरत जैसा भाई कोई नहीं। यह सुनकर स्वामी श्री बोले कि परिवार में सभी को एक दूसरे के प्रति ऐसा विश्वास हो तो कोई भी कठिनाई टिक नहीं पाएगी। लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते, यही सभी समस्याओं का मूल है। यदि एक दूसरे को समझेंगे, उनके विचार जानेंगे, तो गलत फहमियां दूर होगी और एकता कायम रहेगी। स्वामी बापा ने जो बताया वैसा अनुभव मुझे भी कई बार हुआ है। एक छोटी सी गलत फहमी हमारी एकता को तहस नहस कर देती है। मुझे भी ऐसी गलत फहमी हुई थी जब मुझे पता चला कि मीत के पास वो कलरफुल पेंसिल है और संजय चाचू मेरे लिए वो नहीं लाया। मुझे लगा कि वो अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। ये सोचकर मैं उनसे दूर होने लगा। लेकिन जब मीत ने मुझे कहा कि वह पेंसिल उसके दोस्त ने उसको गिफ्ट दी है, तब मेरी सारी गलत फहमी दूर हो गई। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी क्लास में मैं हमेशा फर्स्ट आता था, इसलिए जेलेसी के कारण एक बार एक लड़के ने मेरी होमवर्क बुक छुपा दी। उस दिन टीचर ने मुझे बहुत डांटा। बाद में मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि इसी ने ही मेरी बुक छुपाई है। मेरा मेरे दोस्त के साथ जमकर झगड़ा हुआ। दूसरे दिन उसने मेरे पास आकर माफी मांगी, लेकिन मैंने उसे माफ नहीं किया। उस दिन से लेकर आज तक वो जब भी मुझे मिलता था, एक अजीब सी घुटन होती थी मन में। लेकिन आज मैंने उससे जाकर माफी मांग ली और उसे भी मैंने माफ कर दिया, तो दिल को बड़ा सुकून मिला और अब हम दोनों दोस्त हैं। संजू मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। तरक्की की इस धुन में न जाने में क्या कर बैठा, परिवार की खुशियां गंवा दी। मैं समझा ही नहीं कि पैसों से ज्यादा रिश्तों की अहमियत होती है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। अरे नहीं भैया, गलती तो मेरी है। मेरे बड़े भाई होने के बावजूद भी जज्बात में आकर मैंने आपको क्या कुछ नहीं कह दिया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं मेरे भाई। भाई माफी तो मुझे मांगनी चाहिए ना, मैं बंटवारा करता ना ये समस्या खड़ी होती। ऐसा कुछ नहीं है पापा, ये सब तो एक दिन होना ही था, पर देखो ना आपकी हाजिरी में हुआ और घर सभा के कारण सब कुछ ठीक हो गया। सच है, स्वामी बापा की छोटी सी आज्ञा परिवार को सुनहरा बना देती है। आप घर सभा करते हो कि नहीं, आज से ही घर सभा शुरू कर दो। गृह शांति का राजमार्ग यही घर सभा है। फिर देखना, घर में ही अक्षरधाम खड़ा हो जाएगा।